फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये पास्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस जिसको हिंदी भूतकाल बोलते हैं, जो समय बीत गया है, इसके भी वैसे चार भेद होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडिफिनिट जस्ट प्रेजेंट का ऑपोजिट। पास्ट इंडिफिनिट का पहचान है जिस वाक्य के अंत में आ, ई और ए लगा रहे, या ता था, ती थी, ते थे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या था, ता है, ती है लगा था, तो यहाँ जहाँ है था वह प्रेजेंट था, तो है, ये तो बीत गया तो था, जिसे वह खाया चाहे वह खाता था। इसका रूल क्या है? इसका रूल है फ्रेंड्स, रूल देखिए मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका रूल है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वी टू वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाया, ही एट, इट का सेकंड फॉर्म। राम जाता था, राम वेंट, सिंपली। राम गांव जाता था, राम वेंट टू विलेज। वे लोग आते थे, दे केम। अमित स्कूल जाता था, अमित वेंट टू स्कूल। अब देखिए, इसके बाद बारी आती है इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें वह स्कूल, क्या वह स्कूल जाता था, एक क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या वह स्कूल जाता था। तो इसका रूल है, क्या जब लगता है तो इसे डू, पहले उसमें प्रेजेंट टेंस में या डू या डज का इस्तेमाल करते थे, पास्ट टेंस में डिड करते हैं। डू या डज का लफड़ा हट गया, एक ही है डिड। डिड ही गो टू स्कूल, क्या तुम गाना गाते थे, डिड यू सिंग ए सॉन्ग। इसे निगेटिव है, जैसे वह खेलने नहीं जाता था, निगेटिव। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट अपने पीछे डिड नोट लगा देते हैं, वही रूल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर डिड लग गया आगे या पीछे, इंटरोगेटिव और निगेटिव, और डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, विदाउट एनी डाउट। अगर डिड लग गया इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, वह खेले नहीं जाता था। तो इसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ही डिडंट या डिड नॉट गो टू प्ले। ठीक है, इतना हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। इसके बाद बारी आती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या था? रहा है, रही है। जैसे बीत गया है पास्ट टेंस है तो रहा था, रही थी। इसका रूल क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, भर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं वाज किसके साथ लगता है? ही सी इट और नेम के साथ वाज, बाकी सबके साथ वे, आई वी दे यू के साथ ही सी इट और नेम के साथ वाज और आई वी दे यू के साथ वेयर लगेगा। तो वह घर जा रहा था, ही वाज, भर गो प्लस आई एन जी गोइंग टू होम। मैं चाहे वे लोग गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे। दे वेर सिंगिंग ए सॉन्ग। इसके बाद बारी आती है इसकी इंटरोगेटिव की, जिसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या वो घर जा रहा था। इसका रूल क्या है? वाज प्लस वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई जी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वेयर पहले लगाते हैं, जैसे डू डिड, डू और डिड लगाया था उसी टाइप से वाज और वेयर। ठीक है ना? तो क्या वो घर जा रहा था? ही वाज होता है तो वाज ही गोइंग टू होम। फिर क्या वे लोग गाना गा रहे थे? दे वेयर होता है तो वेयर दे सिंगिंग ए सॉन्ग।
इसका रूल देखिए यहाँ पे, और इसका निगेटिव जो होता है, निगेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे क्या होगा, दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगले पार्ट में आपको पास्ट टेंस के दोनों पार्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स प्लीज गो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।